हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इनसाइड स्पोर्ट्स। और कानपुर टेस्ट का पहला दिन समाप्त हो चुका है और स्टंप्स के बाद भारत का स्कोर है 258 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। आखिरी जो सेशन रहा टोटली इंडिया के नाम रहा, एक भी विकेट नहीं गिरा और पार्टनरशिप कमाल की हुई बिटवीन श्रेयस अय्यर एंड रविंद्र जडेजा। दिन की शुरुआत से अगर मैं आपको पूरा स्कोर कार्ड बता दूं तो पहले बल्लेबाजी करी इंडिया ने ऑब्वियसली टॉस जीतकर। मयंक अग्रवाल जल्दी आउट हो गए मात्र 13 रन बनाकर। उसके बाद शुभमन गिल ने 52 रन बनाए, पुजारा ने 26, रहाणे ने 35, अय्यर 75 और रविंद्र जडेजा 50। ये रहा स्कोर कार्ड आपके सामने। और अगर हम सेशन वाइज बात करें इस पूरे दिन की, पहला सेशन बिलोंग करा इंडिया के लिए, जबरदस्त बैटिंग करी हमारे शुभमन गिल ने विद पुजारा। मयंक अग्रवाल जल्दी आउट हो गए थे। उसके बाद अगर सेकंड सेशन पे हम लोग आए तो फिर न्यूजीलैंड ने अच्छी वापसी करी, 72 रन दिए। दूसरे सेशन में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट हासिल करे और ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया टीम यहां पर बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी। डिफिकल्ट विकेट था, अनइवन विकेट था, ऊपर नीचे बॉल जा रहा था और कोई कोई बॉल टर्न भी कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या जबरदस्त पार्टनरशिप करी यहां पर तीसरे सेशन में श्रेयस अय्यर, जो कि अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं। 303वें खिलाड़ी बने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले टेस्ट मैचेस में। कमाल की पारी खेली उन्होंने अभी तक। नॉट आउट है बता दूं, 75 रन 7 चौके लगा चुके हैं, 2 छक्के 136 बॉलों पे। उनके साथ रविंद्र जडेजा, जड्डू सर जडेजा, क्या बैटिंग करी उन्होंने यार। 50 रन पे वो भी नाबाद हैं और 100 बॉलें फेस करी। तो ये पार्टनरशिप 113 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। इस पार्टनरशिप की अगर बात करें अय्यर और जडेजा के बीच, 113 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और आखिरी सेशन में बने हैं 104 रन और न्यूजीलैंड एक भी विकेट नहीं ले पाया। तो अगर इस पूरे दिन को हम समाप्त करें, फर्स्ट सेशन ऑब्वियसली बिलोंग्स टू इंडिया, सेकंड टू न्यूजीलैंड और आखिरी 2-1 से इंडिया आगे अभी। और कल का दिन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेस्ट मैच के लिए, किस तरह भी टेस्ट मैच जाएगा, क्योंकि नई बॉल न्यूजीलैंड ने ले ली है और जो भी स्विंग होगी वो पहले 5 ओवर में देखने को मिलेगी। तो अगर 5 से 10 ओवर इंडिया अपने विकेट बचा लेता है, अगर आपके श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा ये पहला जो हाफ एन आवर 45 मिनट से उसे निगेट कर लेते हैं, तब इंडिया अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएगा। क्योंकि जैसे आपको मालूम है कानपुर विकेट ट्रेडिशनली सेकेंड दिन जब खत्म होगा, तीसरा दिन जब स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली अपना असली रंग दिखाना चालू करेगी। जब बॉल और फंसेगा, टर्न होना चालू हो जाएगा और इंडिया के 3 स्पिनर डगआउट में बैठे हैं, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, अपने लिप्स को लिटरली यहाँ पर जबान फिर रहे लिप्स पे कि भैया कब मुझे मौका मिले और मैं कब इस विकेट पे गेंदबाजी करूं। रैंक टर्नर नहीं अभी भी ये, अभी यहाँ पर इतने ज़्यादा बॉल स्पिन नहीं करे, लेकिन जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होगा जनरली ऐसा होता है। कल के दिन की सबसे बड़ी जो एंटिसिपेशन है वो है श्रेयस अय्यर पर सबकी निगाहें होंगी। क्या श्रेयस अय्यर 16वें ऐसे प्लेयर बनेंगे हिंदुस्तानी जो अपने डेब्यू पे शतक लगा पाए, ये पूरा हिंदुस्तान कल देखेगा। जैसे बैटिंग करी, जितना उन्होंने वेट किया है और क्रूशियल मोमेंट में उनको इंजरी हुई, मौका नहीं मिला, तो सबकी दुआएं पूरे हिंदुस्तान की होगी कैसे भी करके श्रेयस अय्यर कल अपना शतक लगाएं और हिंदुस्तान को और मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। क्योंकि इस विकेट पर 400 रन विल बी अ ग्रेट फर्स्ट इनिंग स्कोर और सही साथ दे रहे हैं उनका रविंद्र जडेजा। अगर हम बॉलिंग की बात करें न्यूजीलैंड की, तो आज के स्टार रहे काली जेमिसन, क्या बॉलिंग करी उन्होंने। अपने लंबे कद का फायदा हमेशा उठाते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैन ऑफ द मैच थे, वहां भी इंडिया को परेशान किया था और आज भी कमाल की गेंदबाजी करी। 15.2 ओवर डाले आज, 47 रन दिए और 3 विकेट, तो सबसे लीथल अगर कोई नजर आ रहा था तो आज काली जेमिसन नजर आ रहे थे। इसके अलावा सऊदी ने 1 विकेट लिया, 43 रन दिए। एजाज पटेल जो कि अच्छे परफॉर्मर रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट न्यूजीलैंड के लिए, वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग यहाँ पर आज नजर आए। उन्होंने लेंथ उनकी कभी भी सही फिट नहीं बैठी पूरे दिन, 21 ओवर में 78 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। समरविल ने भी 24 ओवर डाले, 60 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। रचिन रविंद्रा ने 7 ओवर डाले, 1 मेड इन 28 रन। तो अगर आप देखें स्पिनर्स को 1 भी विकेट नहीं मिला है इस विकेट पर अभी तक, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है। जनरली कानपुर ग्रीन पार्क में स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, पहला दिन है तो इसलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाएगा। लेकिन कल के दिन ऑब्वियसली स्पिनर्स क्रूशियल रोल प्ले करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कल एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, डे 2 है कानपुर टेस्ट का और सबकी निगाहें किस पे होंगी, श्रेयस अय्यर पे। क्या वो डेब्यू में शतक लगाने वाले, जैसे मैंने आपको पहले बताया 16वें खिलाड़ी बने थे और लेटेस्ट खिलाड़ी कौन से थे जिन्होंने बनाया था टेस्ट मैच में शतक, वो थे पृथ्वी शॉ, लास्ट इंडियन टू स्कोर अ डेब्यू 100 पृथ्वी शॉ के बाद। क्या अय्यर ऐसा करेंगे कल देखते हैं, कल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे डे 2 का पूरा हाल लेके, लंच के टाइम, टी के टाइम और डे रैप में भी आपके सामने आएंगे। आप इनसाइड स्पोर्ट देखते रहिए एंड प्लीज डू लाइक अवर चैनल। थैंक यू।